गाइस सामान मैंने कुछ इस तरह से लोड कर दिया और आपको पता है कैंपर ना काफी ज्यादा काम आती है। यार मैंने ना अपना गोप्रो दिया हुआ था स्क्रीन लगाने के लिए, तो इसुजु लोड हो गई है, बाइक्स पीछे हम लोगों ने लोड कर दिया, दो बाइक्स लोड होके जा रही है। तो गाइस गुलाबा हम लोग पहुंच गए, मतलब गुलाबा से जो बैरियर है उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने ना अपनी जीप कर दी पूरी लोड, सामान आप देख सकते हो पीछे सामान डाल दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार अभी सुबह के 8 बज रहे और आपका भाई उठ गया है, नींद में ही हो मैं पता आपको इतनी जल्दी जल्दी उठाऊं मैं। मेरे को ना जाना था गुलाबा ग्रुप को छोड़ने के लिए क्योंकि भृगु ट्रैक जा रहा है, तो सोया रह गया मैं। मामू को फोन आया एकदम मेरे को कि उठ जा जल्दी से, मैं नींद ही नहीं खुली मेरी। तो अभी काम करते जल्दी जल्दी से मैंने जैकेट वगैरह पहन लिए और निकल गया हूँ अभी मैं, और चलते हैं गुलाबा तक ग्रुप को छोड़ते, उसके बाद वापस आएंगे, रेडी वगैरह होंगे और दिन की शुरुआत करेंगे। और वीडियो की शुरुआत तो मैं अभी करने वाला हूँ, तो एक काम करते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज के ब्यूटीफुल से डे की करते हैं शुरुआत। लेट्स गो। और वेदर कुछ इस तरह का है अभी, देखो बढ़िया बढ़िया वेदर। तो गाइस हम लोगों ने ना अपनी जीप कर दी पूरी लोड, सामान आप देख सकते हो पीछे सामान डाल दिया, तो चलते हैं यहाँ से और ड्रॉप करके आते हैं। तो गाइस गुलाबा हम लोग पहुंच गए, मतलब गुलाबा से जो बैरियर है उससे थोड़ा सा ऊपर एक जगह है 14 मोड़ करके, वहां पे हम लोग पहुंच गए। वहां पे मैंने छोड़ दिया इन लोगों को, बाकी जो क्लाइंट्स है वो पीछे से आ रहे हैं और घोड़े वाला भी अभी तक पहुंचा नहीं है, तो थोड़ी देर में वो लोग पहुंच जाएंगे। और मैं निकलता हूं यहां से घर को, फ्रेश वगैरह होता हूं क्योंकि मैं नहाया नहीं, ऐसे उठ के आ गया था। और बहुत ब्यूटीफुल जगह है यार, अभी मैंने अच्छी अच्छी फोटोज खींच ली है जीप की और जगह आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो मनाली से लेके गुलाबा तक की ड्राइव है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है यार, अगर कोई मतलब मनाली आता तो यहाँ पे ज़रूर आना, ठीक है, एक ड्राइव एंजॉय करने के लिए। ये आपको रोड दिख रहा है नीचे, ये देखो ये ज़िगज़ैग वाला पूरे फॉरेस्ट लाइन के अंदर से आता है रोड, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब अलग ही वाइब है जब आप यहाँ को आते हो ना। तो गाइस अभी ना थोड़ा सा टाइम लेने वाला हूँ आप लोगों का, मैं मेरे को ना एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताना है। थोड़े दिन पहले मेरे को एक प्रोडक्ट आया हुआ था, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है ईसा डोरी, और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है ये। और ये ना कम से कम मैं 4-5 दिन से लेके यूज कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था जिस दिन ये प्रोडक्ट आया था उसी दिन आप लोगों को मैं बता दूं, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कहा क्यों ना यार एक काम करते हैं थोड़े दिन यूज करते हैं 4-5 दिन, उसके बाद अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो एक बार बताता हूं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है ये, है कार डिफ्यूजर, एयर डिफ्यूजर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है, ये फुली इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, चार्ज करते हैं इसको यहाँ से, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से चार्ज करके चलता है। और ये वर्क कैसे करता है दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे इसको पुश करोगे ऊपर को कुछ इस तरह से ओपन होता है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। और इसमें ना ये रिफिल बॉटल है, ठीक है, इतनी सी रिफिल बॉटल है, इसको अगर हम ऐसे खोलेंगे ना गोल करके तो ये निकल जाएगा बाहर को। और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ना कुछ इस तरह के बॉक्स के अंदर आया हुआ था, इस बॉक्स के अंदर ये आया हुआ था। साथ में इसमें ये एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, एंड्रॉयड कुछ इस तरह से चार्जिंग केबल मिल जाती है, और एक ना इसमें एक्स्ट्रा रिफिल के लिए ये मिल जाता है, अगर आपको इनकेस ये ख़त्म हो जाए तो आप रिफिल कर सकते हो। साथ में इसमें एक और चीज़ अच्छी है, जिस दिन आपको लगेगा कि ये ख़त्म हो गया आपका, तो आप कोई भी फ्लेवर ऑनलाइन ऑर्डर करके ले सकते हो, अपनी चॉइस का जो भी फ्लेवर आपको चाहिए ना वो आप ले सकते हो। और ये वर्क कैसे करता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसमें आपको इसको डालने का प्रोसीजर क्या है, इसको आपने ऐसे अंदर को डाला, इसमें ना आपने इसको ऐसे अंदर को डाला, और ये एरो दिख रहा है आपको, इस एरो को आपको मिलाना है, जैसे ये मैंने मिला दिया, ये देखो एरो से एरो को ऐसे मिलाना है आपको। और उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऐसे प्रेस करके रखिए 2-3 सेकंड के लिए, ऑन हो गया है। और ये फुली टच है, सारा का सारा टच है, और भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कितनी स्पीड चाहिए, मतलब यहाँ से आपने एक बार टच किया तो आप देख सकते हो लेवल 1 पे चला है, लेवल 2 लेवल 3 अपने अकॉर्डिंग आप टच कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यार मैंने ये प्रोडक्ट 4-5 दिन से लेके यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ मैं। तो यार मैं ना ईसा डोरी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ लिंक ओपन करो और जाके परचेज कर लो, और आप भी एक ईसा डोरी का ऐसा प्रोडक्ट ले लो। और यार होता क्या है ना, हम लोग नॉर्मल परफ्यूम यूज करते हैं गाड़ी में, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 दिन लास्ट करता है, उससे ज्यादा लास्ट नहीं करता है। और जब कोई परफ्यूम हम यूज करते, मैंने भी आज तक बहुत परफ्यूम्स यूज किए हुए, ठीक है, चाहे वो कोई आप सस्ता वाला ले लो चाहे महंगे से महंगा आप ले लो, स्टार्टिंग में जब 2-3 दिन होते हैं ना उस टाइम पे उनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है, उसके बाद वो वही है, मतलब खुशबू आना बंद हो जाती है, तो वेस्ट ऑफ मनी होता है सारा का सारा। तो ये वो चीज नहीं है यार, इसमें क्या है आपने इसको बस एक बार ऑन करना है,
आपने इसको ऑन कर दिया, ये पूरी गाड़ी में आपकी खुशबू कम से कम 4 से 5 मिनट में ये पूरी गाड़ी में अच्छी सी खुशबू आपके फैला देगा। उसके बाद कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक भी ये ना, जब ऑटोमेटिक अपनी स्पीड कम कर देता है, आप जब इसको चलाओगे आपको पता चल जाएगा। और थोड़ी देर इसको ऑन रखने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए और पूरी गाड़ी में आपकी खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। तो देरी किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके परचेज करो वहाँ से। तो गाइस अभी ना घर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल चुका हूँ मैं। एक्चुअली ना घर पे लकड़ी का थोड़ा सा काम करवाने को है, मतलब अलमीराज वगैरह बनवाने को है, किचन के जो ड्रॉर्स वगैरह होते हैं वो बनवाने को है। तो अभी जा रहा हूँ मैं परमवीर भाई के वहाँ पे मार्केट, वो ना सीट कवर के साथ सोफे वगैरह का काम, बेड का काम सब कुछ करते हैं। तो अभी उनके पास जा रहा हूँ मैं और उनके वहाँ से उनके मिस्त्री को लेके आता हूँ। उनके पास ना मिस्त्री है काफ़ी, लेकिन सारे बिजी है साइट पे और खुद भी वो कहीं जा रहे हैं, तो उनके मिस्त्री को लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो उसको लेने के लिए जाते हैं, वो आएगा सामान वगैरह लिखवाएगा क्या क्या लाना है और कल से काम स्टार्ट करेंगे। और यार घर का काम ना ऑलमोस्ट हो ही गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और घर रेडी हो जाएगा हमारा। तो यार अभी ना घर से सारा सामान का हमने नाप ले लिया और गाड़ी वहीं पर पार्क कर रहा हूँ मैं, और अभी मैं लेके जा रहा हूँ जीप, क्योंकि मार्केट से थोड़ा सा सामान लेके आना है तो जीप में ही आएगा वो। तो चलते यार, और वीडियो भी एडिट नहीं किया अभी तक और 2 बज चुके हैं यहीं पे। तो गाइस अराउंड ना 2 बज गए और मैंने वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुई है, तो जल्दी से मार्केट चलते हैं, सामान वगैरह लोड करते हैं जीप में और आते हैं घर और वीडियो वगैरह एडिट करते हैं। अभी ना घर से पहुंच चुका हूँ मैं परमवीर भाई के वहाँ पर, उन्होंने कुछ लिस्ट दी हुई है ये सारी लेने के लिए सामान के लिए, तो ये ले जाते हैं। और टिप्सी जुई बाय 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 बाय, शांत हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई है अभी। जुई जुई चलो बाय, ठीक है। यार मैंने ना अपना GoPro दिया हुआ था स्क्रीन लगाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन नहीं लगाई है। उसका रीज़न ये है, स्क्रीन यहाँ पे मिल नहीं रही है, कह रहे चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा, तो मैंने अभी के लिए इसमें लेमिनेशन कर दिया ताकि जो ग्लासेस टूटे हुए हैं ना टुकड़े उसके वो चुभे ना, तो देखते हैं चंडीगढ़ जाना पड़ेगा और ये रिपेयर करके वहाँ से लाना पड़ेगा। और साथ में एक टेम्पर्ड ग्लास भी खरीद लिया है मैंने, क्योंकि मोनिका जो मेरी बहन है उसके फ़ोन का टूट गया था। चलिए और अभी सामान लेके जाना है यार, काफ़ी सामान ले जाने का, इतनी बड़ी लिस्ट दी हुई है ले जाने को है। तो गाइस सामान मैंने कुछ इस तरह से लोड कर दिया, और आपको पता है कैंपर ना काफ़ी ज़्यादा काम आती है। और यहाँ प्रशांत भाई आ गए, प्रशांत भाई छल्ला किस लटका, देखा मेरा छल्ला काम का है ना, यहाँ भी लटका सकते हैं। बैंक में कम होते हो आप, यहाँ ज़्यादा होते हो क्यों? बैंक में मन नहीं लगता इनका। और यार गाड़ी को आप देख सकते हो पूरी बैठ गई यहाँ से, देखो। तो जल्दी से सामान ले जाते हैं घर को और चलते हैं घर। और आपके भाई ने ना वीडियो भी एडिट नहीं किया अभी तक, तो घर चलते ना लंच किया, लंच भी करते और वीडियो भी एडिट करते। और प्रशांत भाई को मिलते बाद में, अच्छी लग रही है जी, आपको गिफ्ट कर दूंगा आपको। घर पहुंच गया हूँ अभी मैं ना, तो जल्दी से काम करते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और डायरेक्ट बैठने वाला हूँ मैं एडिटिंग पे, और एडिटिंग के बाद मिलता हूँ आप लोगों को। और ना मौसम भी खराब हो गया, देख सकते हो आप लोग यार, क्लाउड्स आ गए पूरे, सुबह इतनी तेज धूप निकली हुई थी। तो गाइस अभी ना घर से वीडियो वगैरह एडिट करके आ चुका हूँ मैं ऑफिस को, और ऑफिस में थोड़ा सा काम था वो कर लेते हैं और उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस कल से ना हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है, तो इसुजू लोड हो गई है, बाइक्स पीछे हम लोगों ने लोड कर दी, 2 बाइक्स लोड होकर जा रही है, बाकी चल के जाने वाली, और ये जाने वाली है इसुजू कल शिमला, शिमला से टूर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अभी तक हम बाइक लोड कर रहे थे। तो यार अभी ना हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रक्स का, 2 ट्रक आ रहे हैं, ले में हमारी बाइक्स ड्रॉप हुई थी, ठीक है, तो 2 ट्रक में आ रही है वो, तो वेट कर रहे हैं। वो अभी कह रहा है कि मैं तांदी पहुंच गया, तो शायद से 1.5 घंटा उसको, 1 या 1.5 घंटा लगने वाला है, तो हम लोग उनका वेट करते, जैसे वो आएगी तो उसको उतारनी भी पड़ेगी सारी की सारी बाइकें हम लोगों को, इसलिए हम लोग सब ऑफिस में बैठे बाकी काम करते। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है ना लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। और जीप में ना जो अपनी कैंपर है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल करूंगा उसको मैं, ठीक है, कल कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है उसमें, तो कल की वीडियो जरूर देखना, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है अपनी जीप में। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।